हम कई बार कुछ बातें कहने में बहुत वक्त लगा देते हैं और उन बातों का समय निकल जाता है, जिंदगी आगे बढ़ जाती है। कई बार उसे कहने का मौका नहीं मिलता तो कभी हिम्मत नहीं पड़ती, डर लगता है कभी-कभी कि रिश्तों में दरारें ना आ जाएं। हेलो एवरीवन, मैं अनुराधा चांडक और मुझे कभी-कभी लगता है कि कुछ बातों के लिए शब्द ही नहीं बने, पर जो तमन्ना होती है ना उसे जाहिर करने की, उसे यथास्थान पहुंचाने की, वो तमन्ना कहीं ना कहीं उम्मीद का आंचल पकड़े हमारे दिल में हमेशा घूमती रहती है। गुजारिश जो शब्दों तक नहीं पहुंच पाई, जो मन के किसी तलघर में उम्मीद की चादर बुनते हुए आज भी बैठी हुई है कि हाँ, जब मैं बाहर निकलूंगी तो ये उम्मीद की चादर तोहफे में शब्दों को थमा दूंगी और शायद शायद फिर वो मान जाएं और देकर सहारा ले चलें उन्हें कि गुजारिश पहुंच जाए उस निरभ्र मन के कोने तक जिससे मिलने को जन्म जन्मांतरों से इंतजार है उसे। क्या कभी इन गुजारिशों को मिल पाएगी आजादी, शब्दों के आगोश में पहुंचकर अपनी मंजिल पाने की? इस सवाल का जवाब अगर आप भी ढूंढ रहे हैं तो शब्द चुनिए और करीने से सजा लीजिए अपनी जुबान पर या अपनी लेखनी पर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चुप रहकर सारी उम्र अफसोस करने से बेहतर है कि कहकर या लिखकर गिले शिकवे दूर कर लिए जाएं। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लिया जाए।